हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे सैम्पलिंग ऑफ लिक्विड्स। इसके पहले हमने क्या देखा था, सैम्पलिंग ऑफ गैसेस, जो कि हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब जो हमारा सेकंड पॉइंट है वो है हमारा सैम्पलिंग ऑफ लिक्विड्स। ठीक है, तो लिक्विड्स में अभी देखो थ्री टाइप्स के लिक्विड की सैम्पलिंग हमको पढ़नी है। एक तो होमोजीनियस लिक्विड, दूसरा है हेट्रोजीनियस लिक्विड और थर्ड रहेगा आपका फ्लोइंग लिक्विड्स। ठीक है, क्योंकि जहाँ से हम सैंपल कलेक्ट करेंगे लिक्विड के, ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा होमोजीनियस हो। ठीक है, कभी कभी वो हेट्रोजीनियस भी हो सकते हैं और कभी कभी क्या हो सकता है, जो हमारा लिक्विड है वो हमारा लिक्विड कैसा हो सकता है, लिक्विड फ्लोइंग भी हो सकता है। तो उसके बेसिस पे हमें अलग अलग लिक्विड्स के लिए अलग अलग सैम्पलिंग हम लोग कैसे, मतलब अलग अलग लिक्विड्स के लिए हम कौन सी अलग अलग टेक्निक्स यूज़ करेंगे वो हम यहाँ देखेंगे, किसमें, हमारे सैम्पलिंग ऑफ लिक्विड में। अब देखो, एज कम्पेयर टू सैम्पलिंग ऑफ गैसेस, लिक्विड क्या रहेगा, थोड़ा सा ईजी रहेगा, क्योंकि गैसेस क्या होता है, गैसेस डिफ्यूज़ हो जाती है, इसलिए उसको कलेक्ट करके रखने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। बट लिक्विड के केस में ऐसा कुछ भी नहीं है, हम लोग लिक्विड्स को कलेक्ट करने के बाद ईजीली उसकी सैम्पलिंग कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ मेथड फॉलो करनी पड़ेगी, जिससे कि हमारी जो सैम्पलिंग हो वो कैसी हो, परफेक्ट हो। तो अब फर्स्ट हम लोग देखेंगे होमोजीनियस लिक्विड। अब देखो, होमोजीनियस लिक्विड है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सैम्पल को कहीं से भी कैसे भी कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, बट अगर हम लोग बोल रहे हैं कि लिक्विड होमोजीनियस है और हम लोग कहीं से भी कैसे भी कलेक्ट कर सकते हैं, पर हमें पता है स्ट्रिक्टली अगर हम लोग बात करें तो होमोजीनियस लिक्विड में भी हो सकता है कि लिक्विड में जो कुछ कंटेंट्स है वो टॉप में बॉटम में क्या हो, उसकी डिफरेंस हो कुछ। ठीक है, हो सकता है बॉटम्स में कुछ लिक्विड सेटल, मतलब लिक्विड्स में जो पार्टिकल्स होते हैं वो सेटल हो जाए, वो बॉटम में सेटल नहीं होंगे। कहाँ जाके सेटल होंगे, बॉटम में सेटल होंगे, सॉरी मतलब सरफेस पे सेटल नहीं होंगे। तो इसीलिए हमें, अगर हमारा, हम लोग जो है होमोजीनियस लिक्विड की भी बात करते हैं, तभी भी अगर हम लोग लिक्विड्स की बात कर रहे हैं तो इस केस में हमें क्या करना होता है, जो लिक्विड होता है हम लोग वो क्या करते हैं, तीन डिफरेंट पोजीशन से, या कह लो तीन डिफरेंट जगह से कलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमने टॉप से कलेक्ट किया एक सैम्पल, दूसरा सैम्पल हम लोग क्या करेंगे, मिडल से कलेक्ट करेंगे, और जो थर्ड सैम्पल होता है वो हम लोग कहाँ से कलेक्ट करते हैं, उसके बॉटम लेयर्स से। ठीक है, तो अगर लिक्विड होमोजीनियस है तभी भी हमें क्या देखना होता है कि हम लोग जो, हमारी जो सैम्पलिंग हो वो परफेक्ट हो। इसीलिए हम लोग सैम्पलिंग ऑफ लिक्विड में क्या करेंगे, टॉप से, बॉटम से और मिडल से, ऐसे तीन जगह से हमारा सैम्पल जो है वो कलेक्ट करेंगे। अब लिक्विड सैम्पल कलेक्ट करने के लिए एक हमारे पास कुछ ऐसा एपरेटस होता है। ठीक है, ये सिंपल एपरेटस है, इसको क्या बोलते हैं, सैम्पल थीफ फॉर लिक्विड। ये जो आपको दिख रहा है डायग्राम, ये किसका है, सैम्पल थीफ। ये सैम्पल थीफ में क्या है, देखो यहाँ दो ट्यूब्स हैं और ये एक कंटेनर रहेगा। तो दो ट्यूब में जो एक ट्यूब रहेगा वो स्मॉलर ट्यूब रहेगा, दूसरा ट्यूब जो है वो कैसा रहेगा, लॉन्गर रहेगा। यहाँ जो ये सी से दिखाया गया है, ये क्या है आपका, स्टॉप कॉक है। ठीक है, तो इसी को क्या बोलते हैं, सैम्पल थीफ। ये जो है ये कंटेनर या बॉटल टाइप रहेगा। सैम्पल थीफ का यूज़ करके हम लोग हमारे लिक्विड को क्या कर सकते हैं, अलग अलग जगह से कलेक्ट कर सकते हैं। अब देखो कैसे होगा, फॉर एग्जांपल आपको अगर टॉप सरफेस से आपका लिक्विड कलेक्ट करना है तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो ए वाला है, ए वाला जो ट्यूब है वो जो सरफेस लेयर है उससे थोड़ा नीचे तक डिप करेंगे, और ये जो ट्यूब है ये क्या रहेगा, ये हमेशा ऊपर रहेगा। अब जब ये ट्यूब हम लोग उसमें इंसर्ट करेंगे और ये हमारे, मतलब ये जो है हमारे सैंपल के ऊपर रहेगा, तो हम क्या करेंगे, स्टॉप कॉक ओपन करेंगे। जैसे ही यहाँ से स्टॉप कॉक ओपन होगा, आपका जो लिक्विड है वो क्या होगा, धीरे धीरे डिस्प्लेसमेंट के थ्रू यहाँ कलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एक बार आपका यहाँ सैंपल कलेक्ट हो गया, फिर आपको क्या करना है, ये स्टॉप कॉक क्लोज कर देना। इसी वे से हम लोग अगर मिडल लेयर की बात करते हैं, तो पहले हम लोग इस बॉटल को क्या करेंगे, लेके मिडल तक इंसर्ट करेंगे। एक बार ये बॉटल मिडल में इंसर्ट हो गई, उसके बाद हम क्या करेंगे, जो उस टाइम भी ये जो ट्यूब है ये क्या रहेगा, हमारा वाटर का जो लेवल है, या सॉरी जो हम लिक्विड यूज़ करने वाले हैं, या लिक्विड जो हम कलेक्ट करने वाले हैं, उसके ऊपर रखा जाएगा। फिर उसमें क्या करेंगे, ये स्टॉप कॉक ओपन करेंगे और मिडल से हम लोग
सैंपल कलेक्ट करेंगे, उसी वे से बॉटम से भी, ठीक है। तो ये क्या है, सिंपली हमारा क्या है, होमोजीनियस लिक्विड की सैम्पलिंग। उस केस में ये क्या है, क्या यूज़ करेंगे हम लोग, सैम्पल थीफ यूज़ होता है, जिसमें कि दो ट्यूब होते हैं, एक स्मॉलर एक लार्जर, ऐसे करके हम लोग हमारा सैम्पल क्या कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं।